How are you all? I hope you all are doing good today. We are going to study staying safe. Ready, steady, start. Based on your previous knowledge, write three safety measures that you should adopt to stay safe. Discuss in class how you can avoid accidents at different places. Safety at home. Concepts to know: safety at home, safety on the road, safety at school, safety in parks and playgrounds, safety in the swimming pool, first aid. Accidents are

चाहिए ओके okay? आइए इसके बारे में पढ़ते हैं सेफ्टी एट होम डू नॉट लिव योर टॉयज बैग्स बुक्स एंड अदर थिंग्स लेंग ऑन द फ्लोर यू और सम वन एल्स माइ ट्रिप ओवर दैम एंड गेट हर्ट डू नॉट वॉक और रन ऑन वेट फ्लोर्स यू माइट स्लिप ऑन द फ्लोर एंड गेट हर्ट बी केयरफुल वाइल यूजिंग शार्प टूल्स सच एज सिजर्स मिस हैंडलिंग दीज टूल्स कैन कोस कट्स एंड बाउंस डो नॉट टच होट पैंस कैटल्स एंड हीटर्स एज इट मे मेकर्स बर्न्स Never put the fingers टच एनी इलेक्ट्रिकल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक स्टे अवे फ्रॉम द ओपन और लाइव इलेक्ट्रिक वायर्स ओके देखिए आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि घर पर आप सेफ रह सके जैसे कि आपको अपने घर के फ्लोर पर टॉय को फैला के नहीं रखना चाहिए क्योंकि उनसे अटक के कोई भी गिर सकता है आप खुद भी गिर सकते हैं और फ्लोरस पर वेट फ्लोर जो होते हैं उन पर भागना नहीं है आप गिर सकते हैं आपको केयरफुल रहना है शार्प टूल या फिर सीजर्स के साथ उनका यूज आपको नहीं करना है ज्यादा ओके पैंस हॉट पैंस जैसे हो गए कैटल्स हो गए हीटर्स हो गए इन सारी चीज़ों को टच नहीं करना है आपका हाथ जल सकता है ओके अपने फिंगर्स को प्लग्स में नहीं डालना है ओके और अगर आपके हाथ गीले हैं और आप बैर फीट हैं तो आपको जो प्लग्स है स्विचेस बोर्ड्स है उनको टच नहीं करना है आपको उससे करंट लग सकता है ओके नाउ डू नॉट रन वाइल क्लाइंबिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स यू माइट फॉल और इंजर्ड योर सेल्फ डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट योर पेरेंट्स और डॉक्टर्स एडवाइस देखें आपको भागना या चढ़ना नहीं है स्टेयर्स जो होती हैं उन पर ओके okay? और कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है बिना आपके पेरेंट या फिर डॉक्टर के एडवाइस के ओके okay? दो तो हजार से भी ज्यादा बच्चों की डेथ होती है ओके okay, एक्सीडेंट्स होते हैं उनके नाउ आगे बढ़ते हैं रिमेन वे यू आर वेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज एट नाइट यू माई ट्रिप ओवर द फर्नीचर एंड गेट हर्ट आप आपके घर में जैसे रात को लाइट चली जाती है कुछ नहीं दिखाई देता तो आपको एक ही जगह पे खड़े रहना है वरना अगर आप मूवमेंट करेंगे तो किसी भी फर्नीचर से आप उलझ सकते हैं और गिर सकते हैं ओके नाउ सेफ्टी ऑन द रोड ऑलवेज कीप क्लोज टू द एल्डर्स ऑन द रोड डू नॉट गेट इन टू ऑन get off a moving vehicle do not run across the road or play on the road do not put your head or any other part of your body out of a moving vehicle you should always walk on the pavement or on the safe side of the road use a zebra crossing to cross the road look at the right then look your left then again look at the right फ्ट राइडिंग अ बाइसिकल ऑलवेज इंडिकेट विद योर हैंड बिफोर टेकिंग अ टर्न टू नॉट गेट इन टू और ऑफ अ मूविंग बस ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू एंड वेट फॉर योर टर्न नव पुश अदर्स वाइल वेटिंग इन अ क्यू ओके देखिए सेफ्टी आप रोड पर कैसे ला सकते हैं जैसे कि आपको हमेशा अपने एल्डर्स के साथ ही चलना है जब आप बाहर को निकले हैं आपको कभी भी मूविंग व्हीकल को टच नहीं करना है आपको रोड क्रॉस करना है तो उस पर खेलना नहीं है ओके और आपको कभी भी मूविंग कोई भी व्हीकल है उसमें से अपना हाथ या सर बाहर नहीं निकालना है आपको हमेशा पेवमेंट में कर, चलना है जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो जिब्रा क्रॉसिंग से ही आपको रोड क्रॉस करना है ओके और पहले आपको राइट right देखना है फिर लेफ्ट देखना है फिर दोबारा से राइट देखना है और उसके बाद जाके आपको रोड क्रॉस करना है ओके okay? और जब भी कोई भी बाईसाइकल आप चला रहे हो या फिर कुछ भी चीज कर रहे हो मेन रोड पर आप डायरेक्टली इस तरीके से मत चलाइए पे व्हीकल्स चलते हैं ओके okay? आपको सेफ्टी साइड ही चलानी है ओके आइए आगे बढ़ते हैं सेफ्टी एट स्कूल डो नॉट रन डाउन द स्टेयर केस और पुश अदर्स वाइल स्टैंडिंग ऑन द स्टेयर केस यू और अदर्स में फॉल एंड गेट इंजर्ड डो नॉट रश थ्रू अ गेट टू एंटर और गेट आउट ऑफ द स्कूल डू नॉट क्लाइंब ऑन और रन अराउंड द फर्नीचर इन द क्लासरूम डो नॉट हिट एनी वन एंड थ्रो थिंग्स एट अदर्स देखिए जब आप स्कूल में हैं तो स्टेयर केस पर आपको रन नहीं करना है या फिर एक दूसरे को पुश नहीं करना है इससे किसी को चोट लग सकती है आपको खुद को भी चोट लग सकती है ओके okay? और जब भी आप गेट से स्कूल के एंटर कर रहे हैं या बाहर आ रहे हैं तो आपको आराम से क्यू में ही बाहर आना है एक दूसरे को पुश नहीं करना है ओके okay? आप को कोई भी फर्नीचर क्लाइम नहीं करना है क्योंकि अगर आप गिर गए तो आपको चोट लग सकती है टे, चेयर टेबल किसी भी चीज़ के से आपको चोट लग सकती है आपके सर में लग सकती है ओके okay? तो कई सारी चीज़ें जो हो सकती हैं और आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब आप केयर दिखाएंगे तभी जाके आप सेफ रह पाएंगे ओके okay? केयरलेसनेस रखेंगे तो आपको चोटें लगती रहेंगी ओके नाओ okay?

Keep distance from the wire. Do not play games like hide and seek in dark lonely places. Harmful insects hide in such places and they can sting you. Okay they आपको कभी भी रन नहीं करना है अन ईवन ग्राउंड पे ग्राउंड पे जो कि उबड़ खाबड़ होता है उस पर आप गिर सकते हैं आपको चोट लग सकती है ओके okay? और आपको कभी भी आपको केयरफुल रहना है जब आप पार्क्स में खेल रहे हो ठीक है आपको किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे बिल्कुल ही अंधेरा है वहाँ पे हाइड एंड सीख नहीं खेलनी है क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हो सकते हैं जो कि आपको काट लेंगे और उससे आपको चोट लग सकती है या फिर कोई भी इंसेक्ट ऐसा हो सकता है आप बीमार भी हो सकते हो ओके नाउ सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल We need to stay away from harm and injury in the swimming pool. The following are a few safety rules to keep ourselves safe in the swimming pool. We must swim only in the presence of an adult, we must use a swimming tube if you are a beginner.

First aid, even after following the safety rules, accidents do happen. At such times, immediate help and care needs to be given to the injured person. First aid is the immediate help and care given to a sick or an injured person until full medical treatment is made available a box that contains things required to get first aid is called a first aid box it contains things such as bandages and antiseptic lotion gauze cotton and a pair of scissors the following are the few rules that must follow while giving aid okay dekhe. अब आप कितनी भी प्रिकॉशंस ले दीजिए लेकिन छोटे छोटे एक्सीडेंट्स जो हैं फिर भी हो जाते हैं अब उन एक्सीडेंट से आप डायरेक्टली किसी को इतनी जल्दी हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते तो जब तक डॉक्टर के पास तक आप उन्हें ना लेके जा सके उसके पहले आप उन्हें खुद ही एक मेडिकल हेल्प दे सकते हैं जैसे कि फर्स्ट एड के थ्रू आप उन्हें वो हेल्प दे सकते हैं ओके फर्स्ट एड बॉक्स में वो सारी चीजें होती हैं जो एक पेशेंट को चाहिए होती है जैसे कि छोटी छोटी चीजें होती हैं जैसे कि क्या क्या होता है उसमें कोज होता है एंटीसेप्टिक लोशन होता है बैंडेज होता होता है होता है होती हैं तो कहीं पे भी अगर बच्चे को के लिए जा सकते हैं, okay? Now, अब क्या रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं किसी को फर्स्ट एड देने के लिए जैसे कि वी मस्ट नॉट क्राउड अराउंड इंजर्ड पर्सन केस ऑफ स्मॉल कट्स एंड मस्ट वॉश एरिया with clean water and gently wipe it we must apply the antiseptic lotion and then tie a bandage around it in case of serious wounds it must call the doctor immediately we must have a first aid box at home and in school we must know where it is kept okay dekhe. किसी भी पर्सन को जिसको चोट लगी है जो इंजर्ड है उसके आसपास आपको भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है ओके okay? तो सबसे पहले अगर वाउंड लगे हैं कट्स लगे हैं आपको उस एरिया को वॉश करना है प्रॉपरली एंड देन स्वाइप करना है किसी सूखे कपड़े से उसके बाद उस पर एंटीसेप्टिक लगानी है और उसके बाद उसे बैंडेज से कवर कर देना है ओके okay? और उसके बाद अगर सीरियस वाउंड है तो उसको इमीडिएटली कहाँ लेके जाना है आपको मेडिकल हेल्प के लिए डॉक्टर के पास लेके जाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि घर पर फर्स्ट एड कहाँ रखा है स्कूल में भी फर्स्ट एड कहाँ है तो दोनों जगहों पे फर्स्ट एड होना ही चाहिए ओके ना रीड एट अ ग्लैंस accidents are caused due to the carelessness we can avoid accidents by being extra careful and following safety rules at various places like home playground school park and on the road first aid is the immediate help and care given to the sick or an injured person we must have a first aid box at home and in school we should immediately look for first aid and if you get injured or see somebody around you injured key terms to know एक्सीडेंट्स एन अनफोर्सिनपनिंग एरिया ऑन द रोड मार्क् विद ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स सब वे एंड अंडरग्राउंड पाथ फर्स्ट एड द इमीडिएट हेल्प गिवन टू द इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव एंटीसेप्टिंग टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन वाउंस स्टूडेंट आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे thank you